दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बड़ा खुलासा। चले दिखाते हैं आपको कैसे एक रैन बसेरा के आड़ में चल रहा था धर्मांतरण का सेंटर। नमस्कार, मैं विश्वेश तिवारी आप सभी के सामने हाजिर हूं एक नया मुद्दा लेकर। ए न्यूज टुडे पर हम आज आपको दिखाएंगे कैसे हमारे देश को बर्बाद करने के लिए और हमारे देश में मौजूद सबसे पुराने धर्म को नस्तोनाबूद करने के लिए कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा एक ऐसा खेल रचा जा रहा है जिसको देखने के बाद आपको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। बीते कुछ दिनों से देश में जबरन धर्म परिवर्तन कराने के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने देश भर की जनता को चौंका कर रख दिया है। कभी कोई ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा धर्म परिवर्तन करवाता है तो कभी कोई भोले भाले मासूम जनता को पैसे का लालच देकर या किसी बात का डर दिखाकर धर्मांतरण कराता है। इन मामलों के कारण लोगों में काफी नाराजगी भी देखने को मिली है। ऐसे में अभी धर्म परिवर्तन का एक और ताजा मामला राजधानी दिल्ली से सामने आया है। जी हाँ, दिल्ली दिल वालों की कही जाती थी, लेकिन आज के समय में दिल्ली में कुछ ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथी हैं जो दिल्ली का दिल निकाल कर फेंक रहे हैं। जी हाँ, यहाँ सरकारी नौकरी और पैसों का लालच देकर हिंदुओं को मुस्लिम धर्म अपनाने की साजिश का एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये पूरा का पूरा खेल चल रहा था दिल्ली के तुर्कमान गेट पर एक रैन बसेरा में। जी हाँ, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डालने के आरोप में मोहम्मद कलीम उम्र 28 साल को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद कलीम पर आरोप है कि उसने चांदनी महल थाने के इलाके के तुर्कमान गेट पर बने रैन बसेरे के केयर टेकर संदीप सागर पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। जी हाँ, आपको बता दें कि आरोपी कलीम ने संदीप को धर्म परिवर्तन करने के लिए न सिर्फ पैसों का लालच दिया बल्कि उसको डराया धमकाया भी। आरोपी ने यह भी कहा कि अगर वो धर्म बदल देगा तो वो सरकारी नौकरी भी लगवा देगा। ऐसे में शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी हिंदू धर्म के बारे में भी गलत बातें बोलता था और यूट्यूब पर धार्मिक वीडियो दिखाकर हिंदू धर्म का बहिष्कार की बात भी करता था। ऐसे में उसका ब्रेन वॉश वो जो करता था वो यूट्यूब वीडियो के द्वारा करता था। बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 9 जून को मुकदमा दर्ज कर उसे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर आईपीसी की धारा 153A और 295A के तहत केस दर्ज किया गया है। बता दें कि पुलिस को दी गई शिकायत में भी बताया गया है कि आरोपी कलीम केयरटेकर संदीप को यूट्यूब पर इस्लाम धर्म से संबंधित वीडियो दिखाता था और कहता था कि हिंदू धर्म में कोई विशेषता नहीं है। ऐसे में ना सिर्फ दिल्ली के तुर्कमान गेट में धर्म परिवर्तन का मुद्दा चल रहा है बल्कि अब तो ऑनलाइन गेम के द्वारा भी धर्मांतरण का खेल शुरू हो गया है। बता दें कि गाजियाबाद में हाल ही में ऑनलाइन गेम की आड़ में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था जिसमें वीडियो के जरिए कलीम संदीप को हिंदू धर्म का बहिष्कार करने को कहता था। अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में आगे की छानबीन भी की जा रही है। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों में कई ऐसे धर्मांतरण वाले मामलों की खबर सुनने को मिली। हाल ही में गाजियाबाद वाला मामला ही ले लीजिए जिसमें ऑनलाइन गेम की आड़ में एक मौलवी सहित 2 लोगों ने एक 17 साल के लड़के को ना सिर्फ धर्म परिवर्तन करा दिया बल्कि उसे 5 वक्त का नमाजी तक बना डाला। घर से वो बोलता था कि जिम जा रहा है और 5 वक्त का नमाज पढ़ने पास के मस्जिद जाया करता था। ऐसे में जब परिवार को उसके हरकतों पर शक हुआ और परिवार ने उसका पीछा किया तो जो कुछ भी परिवार ने देखा उससे परिवार के होश उड़ गए। ऐसे मामला सिर्फ गाजियाबाद में नहीं था, ऐसा ही मामला मुंबई में भी था जहां दुबई से जुड़े गाजियाबाद धर्म परिवर्तन के तार मुंबई में भी देखने को मिले। पीड़ित के परिवार को जब इस मामले का पता चला तो लड़के के पिता ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है जिसके बाद इस पूरे मामले से पर्दा उठा। इतना ही नहीं, इस धर्मांतरण का कनेक्शन मुंबई और दुबई से भी जुड़े हुए हैं। इस केस की छानबीन भी अभी चल रही है। बताया जाता है कि जबरन धर्मांतरण के ऐसे खेल देश के कई हिस्सों में चल रहे हैं जहां पर कुछ ईसाई मिशनरी नहीं तो कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी हमारे देश के हिंदुओं को मुसलमान या ईसाई बनाने का धर्म परिवर्तन करने का खेल खेल रहे हैं। और ऐसे में ये लोग कैसे हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाया। अब आप इस पूरे मामले पर सोच विचार जरूर करिएगा और आपके आसपास अगर कोई भी ऐसा मामला दिखता है तो सीधे पुलिस से संपर्क करिए क्योंकि अगर हम और आप आंख बंद करके बैठे रहेंगे तो आज दूसरे के घर का बच्चा धर्म परिवर्तन करवा कर नमाज अदा करने जा रहा है तो कल को यही
यही काम हमारे घर में भी देखने को मिलेगा। इससे पहले हमें एक्शन लेना पड़ेगा और ऐसे तमाम अराजक तत्वों को उनके अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।